सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव ककरुई के पास बीती 26 मई को एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। वहीं मृतक शख्स की पहचान गांव राजलू गढ़ी निवासी आनंद के रूप में हुई। आनंद के परिजनों ने गांव के ही दो युवकों पर हत्या कर शव को नहर में फेंकने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव राजलूगढ़ी निवासी आनंद 26 मई शाम को घर से किसी का फोन आने के बाद गया था और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। उसके परिजन लगातार उसकी तलाश करते रहे। वहीं सोनीपत के गांव ककरोई के पास नहर पर आनंद का शव बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों ने शव की शिनाख्त की। आनंद के भाई का कहना है कि उसे फोटो के जरिए आनंद के शव की पहचान की है। वहीं परिजनों ने बताया कि किसी का फोन आने के बाद वो घर से गया था और गांव के ही दो युवकों ने उसे फोन कर घर से बुलाया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंका गया है। मामले में जांच कर रहे हेड कांस्टेबल भीम सिंह ने बताया कि ककरोई के पास एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान गांव राजलूगढ़ी निवासी आनंद के रूप में हुई है। वहीं परिजनों ने जो हत्या के आरोप लगाए हैं, इस तथ्य पर भी पुलिस जांच कर रही है। मामले में गहनता से जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा देवंदर नाम अजीत सनोप सूर्य सिंह, गांव राजलूगढ़ी जी। और क्या हुआ? मेरे भाई को घर से बुलाया फोन करके और इसकी हत्या की गई। किसने बुलाया था? इसके साथी थे, मेरे गाँव के ही राजलूगढ़ी। तो आपको कैसे का पता लगा? कल पता चला जी, मेरे को व्हाट्सएप पे वो आया था फोटो, उससे पता चला है। किस समय की घटना है ये? 26 तारीख को 9:30 के आसपास में घर से बुला रहा है। सुबह शाम? शाम को, रात को। और सुबह 12:30 बजे शुक्रवार को लाश मिली, पता कल चला। मैं कहाँ मिली लाश? ये मिली है रोड में, रोड पे, नहर में। आपके गांव के? हाँ, गांव के। एक गांव, दो गांव के हैं और एक बार का लाश मिली थी दिन 28 को, तो यहाँ पर इसकी फिर शिनाख्त नहीं हो पाई थी उस टाइम, तो अब इसकी शिनाख्त हो गई है। कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम था? ये आनंद है, सुना सूरज सिंह, गांव राजलूगढ़ी जी। अभी इसका पोस्टमार्टम करा दिया है और इसकी डेड बॉडी वार्सने वाले कर दी गई। सर, परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इस संबंध में कार्रवाई चल रही है? अभी आगामी तक शुरू हो चुकी है।